बात करने के लिए बड़े गाड़ी सही और गांव में यार रखना है। हाय वेरी गुड। अबे चोर इतना फंटर चोर यार नहीं कौन लोड़ी कौन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इस वक्त मैं अपने इलाके सईदाबाद चांदनी चौक 24 मार्केट के बिल्कुल नज़दीक बैठा हूं और आज गैदरिंग में शामिल हैं मेरे दो कज़न। बड़ी दूर से आए, चाय वगैरह इनको पिला दी है और माशाल्लाह से भी पिलाओ और कोल्ड ड्रिंक भी इनको पिलाई है और अभी मेरे साथ मौजूद हैं तो मैं इनका तारुफ बाद में कराऊँगा, लेकिन शाम का मंजर है और बहुत ही के नीचे ही बैठा हूँ। ये देखें, आप देख सकते हैं ये सामने मदीना बिरानी वाला, जहाँ से अभी हमने बिरानी खाई थी और एक मेरे कज़न ने बीफ पुलाव खाया था। और ये है अलाइड बैंक नवीद पब्लिक स्कूल। मिलाता हूँ अपने कज़न से, एक को तो आप जानते होंगे, वो तो मेरी वीडियो में अक्सर आते रहते हैं, जिनका नाम रफ़ीउल्लाह अवान और इनके भाई हैं सैफुल्ला और सैफी अवान। अस्सलाम वालेकुम सैफी भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाओ सैफी भाई। आज आप मेरी गैदरिंग में आए, माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया कि आज आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर मुझे दिया और आज आप यहाँ तशरीफ लाए हैं बड़ी दूर से, तो आपको कैसा लग रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, जबरदस्त। और रफी भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं। यार अरे भाई, मसला ये है कि काफ़ी दिन हो गए थे हमारी मुलाकात नहीं हुई, तो अभी मैंने सोचा सही भाई को बोला, मैंने कहा चलो यार तारिक भाई के पास जाते हैं, चलो थोड़े गपशप लगा लेंगे, तो बहरहाल माशाल्लाह काफ़ी मज़ा आ रहा है। असल में सैफी भाई के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता, रफ़ी भाई तो तकरीबन 24 घंटों में से 16 घंटे फारिग ही होते हैं, बाकी 6 घंटे इनका कोई बिजनेस है वो काम करते हैं, ठीक है? और बिजनेस भी बड़ा ख़तरनाक किस्म का बिजनेस है इनका माशाल्लाह से, अल्लाह पाक इनको और तरक्की दे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चलूँ, इस मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से अगर आपको कोई वक्त देता है, टाइम देता है, तो आप उसकी और हौसला अफजाई करें और ज़्यादा हौसला अफजाई करें, क्योंकि ये जो वक्त चल रहा है ये बहुत नाजुक वक्त है। आजकल कोई मर भी जाता है तो उसकी मैयत पे भी लोग नहीं जाते हैं, ऐसा ही है भाई, कि जनाजे का टाइम हो रहा है, नहीं ऑफिस जाना है, फैक्ट्री जाना है, कंपनी जाना है, कारोबार करने जाना है, छुट्टी नहीं कर सकते, दुकान बंद नहीं कर सकते, हमारा नुकसान हो जाएगा, बस चलो तीसरे पे चले जाएंगे, तो भाई ऐसे ही सूरत हाल है। तो आप सब अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा और इस तरह की गैदरिंग वक्फे से जारी रखिएगा। तो भाई, तो आपस में जो कज़न है, रिश्तेदार हैं, आपस में मिलते रहा करें, क्योंकि आपको आपके मरने पे मोहल्ले वाले बाद में आएंगे। आई नो, मैंने देखा है, मैं जानता हूँ ये सब, ठीक है? सबसे पहले आपके रिश्तेदार पहुँचेंगे, खुदा ना खास आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाए, आप बीमार हो जाएं, कुछ भी मसला हो, तो सबसे पहले आपके रिश्तेदार पहुँचेंगे, इसलिए सबसे पहले आप उनका ख्याल रखिए और फिर मोहल्ले के आस पास पड़ोस के लोगों का ख्याल रखिएगा। और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उन सब की मगफिरत फरमाए, अल्लाह पाक मेरे माँ बाप की मगफिरत फरमाए। अजानों का टाइम हो रहा है, तो अभी नमाज का टाइम हो रहा है मगरिब का, तो मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।